नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज चैनल। तो दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी का जो ETF है, यानी कि जिसका नाम है निफ्टी 20। तो दोस्तों, निफ्टी 20 से आप वीकली मंथली इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके विषय में मैंने वीडियो पहले से बहुत सारे बनाए हुए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके पूरा का पूरा चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आप मंथली और वीकली रिटर्न जो भी आप जनरेट कर रहे हैं, उन रिटर्न को आप और भी जो है इन्हेंस कैसे कर सकते हैं, यानी कि और शानदार रिटर्न उनसे कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आज यही बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगा अपने उन सभी दोस्तों से जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है ना, उसको जरूर हिट कर दीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुंचता रहे। अब दोस्तों, बात है उन मेरे सभी मित्रों की, उन सभी दोस्तों की जो कहते हैं कि सर ये रिटर्न नहीं देता। देखिए, पिछले 6 महीने के जो इसके रिटर्न है वो 16.67% है। और वहीं आप अगर इसके वनडे के भी रिटर्न देखेंगे ना, तो ये देखिए 0.25% से भी ज़्यादा है, यानी कि 1.77% के रिटर्न इसने एक ही दिन में आपको दिए हैं। वहीं आप 5 डे का देखेंगे तो 1.47%, यानी कि लगभग राउंड ऑफ करें तो 1.5%। 1 मंथ के रिटर्न भी देखेंगे तो देखिए 7% से भी ज़्यादा के रिटर्न इसने आपको जनरेट करके दिए हैं, यानी कि 7.20% के रिटर्न आपको इसने जनरेट करके दिए हैं। दोस्तों, आप इससे मंथली और वीकली इनकम कैसे बना सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये मैंने बहुत सारी ETFO की वीडियो बनाई हुई है, जिसमें सिल्वर वीज, बैंक वीज, निफ्टी वीज, IT वीज के साथ साथ जो है Moon 100, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। निफ्टी वीज क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें भी जाननी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं। लेकिन थोड़ा मैं वो विधि जिससे आप मंथली और वीकली इनकम को जनरेट करेंगे वो इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा बहुत ही शॉर्ट में, और आप इसमें एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं ये बात भी हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, एक ETF है। ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ये कोई एक कंपनी नहीं है, ये ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इसमें पूरी की पूरी, जैसे ही आप अपने इसमें जो इसका CMP है वो 200 रुपये और 35 पैसे के आसपास है, यानी कि आपके जो ये 200 रुपये हैं वो पूरी की पूरी 50 कंपनियों में लगेंगे। जैसा रिटर्न आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स देगा, वैसे ही रिटर्न आपको ये भी प्रोवाइड करके देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका पैसा एक कंपनी में नहीं लग रहा है किसी में, आपका पैसा पूरा का पूरा निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है आपका 200 रुपये उसमें लगेगा। तो इस बात से निश्चिंत हो जाइए, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, बिगनर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। कि दोस्तों, यहाँ पे कोई भी आप एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं खरीद रहे हैं, आप पूरी की पूरी 50 कंपनियाँ में अपना पैसा लगा रहे हैं जो आप 200 रुपये लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसी कंपनियाँ खरीद लेते हैं कि निफ्टी 50 चाहे बेशक ऊपर जा रहा है, लेकिन उनका पोर्टफोलियो के रिटर्न जो है तो माइनस में ही दिखा रहा है, कंपनी चल के ही नहीं दे रही। एक तो नए हैं मार्केट में, दूसरा ऐसी कंपनी खरीद ली जो कि चल के ही नहीं दे रही, निगेटिव में दिखा रही है, मार्केट तो भाग रहा है, निफ्टी भाग रहा है, रोज़ देख रहे हैं हाँ जी निफ्टी इतने पॉइंट ऊपर है। जैसे कि इनने अभी आज के रेट में भी ETF ने 0.25% के रिटर्न दिए हैं, निफ्टी 50 का इंडेक्स भी भागा है, लेकिन यार ऐसे पड़े हुए हैं पोर्टफोलियो में कि वो चल के नहीं दे रहे। तो दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं, नए हैं, तो आपको बिल्कुल ETF के थ्रू काम करना चाहिए। यहाँ पे आपका फंड जो है, कैपिटल जो है वो सुरक्षित रहेगा, और मैंने जैसा कि बताया कि अगर आपके पास कैपिटल है, आपने कैपिटल मार्केट में नहीं कमाया, अगर आपने कैपिटल को सुरक्षित रख पाए ऐसे तो आप मार्केट में कमा ही लेंगे। ज़्यादा ना कमाएं, कम ना कमाएं, लेकिन कम से कम अपने फंड को सेव करिए पहले। अगर आपका फंड सेफ है, अगर आप मार्केट में हैं, मार्केट में आप जब ही रहेंगे जब आपके पास फंड रहेगा, अगर आपके पास फंड ही नहीं है तो आप तो मार्केट से वैसे ही एग्जिट कर गए। तो मार्केट में रहने के लिए अपने जो अकाउंट है उसमें फंड को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, और बचाने का एक ही तरीका है कि आप ETF में आइए और देखिए ये ऑल्दो बढ़ती है। मैं कब से कहता आ रहा हूँ, जब ये 187, 86, 80 पे भी था
कि आप इसमें निवेश करिए, जितने भी आपके पास पैसे हैं धीरे धीरे इसमें डालिए। और आज देखिए ये जो है 200 रुपये और 35 पैसे पे ये खड़ा है, यानी कि जो आज की क्लोजिंग है वो 200 रुपये पे है। अगर हम राउंड ऑफ में 200 रुपये पे मान लें इसकी क्लोजिंग, तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास जो भी कैपिटल है, आपके पास 5 लाख हो सकते हैं, आपके पास 2 लाख हो सकते हैं, जिसका जैसा कैपिटल है, तो सबसे पहले जो भी आपका कैपिटल है ना, इसको 5 हिस्सों में आप जो है डिवाइड कर लीजिए। इसके कितने हिस्से करने हैं आपको? 5। और पहली खरीदारी जो करनी है ना, ये CMP पे करनी है। जैसे आज जो है इसका CMP है वो कितना है, आज का जो CMP है वो 200 रुपये मान लेते हैं राउंड ऑफ में, तो कुछ करिए कि 200 रुपये पे आपने, अगर आपके पास 5 लाख रुपये थे, एग्जाम्पल लेता हूँ, तो आपने फर्स्ट बाइंग जो है अपनी कहाँ कर दी, पहली बाइंग 200 रुपये पे, यानी कि 200 रुपये पे आपने अपने 1 लाख रुपये यहाँ पे निवेश कर दिए। अब क्या करना है, दूसरी बाइंग आपको कब करनी है? अब आपको दूसरा काम ये करना है कि यहाँ तो अगर ये 3% जाता है डाउन, यानी कि अगर ये 3% डाउन गया, तो आपको जो है फिर अपने 1 लाख की जो ख़रीदारी है वो यहाँ पे फिर से कर देनी है। यानी कि 3% डाउन कितना हो गया, ये 3% 200 रुपये का मान लेते हैं राउंड ऑफ में, तो 3% जो डाउन होगा दोस्तों ये होगा 194 रुपये। यानी कि आपको जो दूसरा वाला लाख है उसको आपको कब निवेश करना है, जब ये इसका भाव 194 रुपये आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, तो जी हाँ, आपने जो CMP पर ख़रीदारी करी है, तो जैसे ही ये यहाँ से, यानी कि जो आपका CMP है ये 5% अप जाए, यानी कि 5% अप जाए, ये कब जाएगा, जब इसका भाव 210 रुपये हो जाएगा। आप इतना कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं कि 205% पर कब होगा, जब इसका भाव जो है 210 रुपये जाएगा, तब हमको ये CMP वाली पोजीशन अपनी एग्जिट कर देनी है। जो दोस्त मेरे जानते हैं, मैं तो पता है अच्छे से, लेकिन जो बिगनर है, मैं उनके समझाने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। वो सारे दोस्त कमेंट भी करते हैं, सर ये रिटर्न नहीं देता, 1% बहुत है, 0.5% बहुत है। तो दोस्तों यहाँ पे 5% आपको जो है ना, इसमें पेशेंस रखना मत। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो देखिए 6 मंथ में 16.5% के रिटर्न है, 1 मंथ में इसमें 7% के बना के भी दिए हैं। तो आप वीकली और मंथली इसमें रेगुलर इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो आप वीकली इनकम को कैसे जनरेट करेंगे, मैं आज उस विषय पे गहन बात करूँगा कि आप वीकली इनकम को, मंथली तो आप करेंगे मंथली तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे ना, वीकली को कैसे करेंगे। तो सब कुछ करिए, आपने सेकंड वाला लैग भी डाल दिया, क्योंकि फर्स्ट लाख आपकी ख़रीदारी हुई CMP पे, दूसरी ख़रीदारी हुई 3% डाउन पे, तीसरी ख़रीदारी कहाँ होगी आपकी, जब ये और 3% डाउन जाएगा, यानी कि इसका भाव 194 रुपये और ये और 3% टूट गया, तो इसका भाव कितना हो जाएगा, लगभग 188 रुपये। आपकी जो और 1 लाख की ख़रीदारी आपने यहाँ पे कर ली, ये आपकी पहली ख़रीदारी हो गई, ये आपकी जो है दूसरी ख़रीदारी हो गई, यहाँ पे आपकी तीसरी ख़रीदारी हो गई। अब चौथी ख़रीदारी भी कब होगी आपकी, जब ये 3% और डाउन जाएगा, उसके बाद आपकी चौथी ख़रीदारी हो जाएगी यहाँ पे, और ये अगर और 3% डाउन जाता है तो आपकी 5वीं ख़रीदारी यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि आपको 5.5 लाख रुपये यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन बहुत ही रेयर केस में, आप हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे, ऐसा होगा नहीं कि आपको 5 बार इसमें जो है लगातार ख़रीदारी करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये देखिए कि 3×12 12% तक तो आप मार्केट को वैसे भी एवरेज कर सकते हैं, यानी कि 12% ये डाउन जाएगा जब तक आपके पास इतना कैपिटल है। अगर आपने 5 हिस्से कर रखे हैं, वो आपका कैपिटल जो है 10 लाख है, चाहे 2 लाख है, चाहे 20 लाख है, लेकिन आपको हिस्से 5 ही करने हैं और इसको इस तरीके से लगाना है। और जब आपको सेल करना है तो कैसे करना है कि जब भी ये 5% अप जाएगा तभी हमको जो है इसमें सेल करना है। लेकिन वीकली इनकम को कैसे बनाएं, बात तो ये दोस्तों कि वीकली इनकम कैसे बनाएं, तो देखिए यहाँ पे तो ये जा रहा था CMP से, तो कुछ करिए, ये 3% हमने पहली ख़रीदारी कर ली और ये 3% यहाँ पे टूटा, हमने सेकंड ख़रीदारी भी कर ली, यानी कि सेकंड ख़रीदारी हुई हमारी 194 पे। तो आप दोस्तों एक काम आपको करना पड़ेगा, आप जो भी ख़रीदारी करेंगे ना, आप उसको नोट करके रखिए, कहीं भी एक्सेल शीट बनाइए, एक जो है अपना रजिस्टर बनाइए, कॉपी लीजिए, जहाँ भी आपको नोट करने में आसानी रहे वहाँ नोट करके रखिए कि पहले लाख की जो मैंने ख़रीदारी करी है वो किस रेट पे करी है, सेकंड ख़रीदारी सपोज करिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपने 194 के भाव पर करी है जी,
आप इसको भी नोट डाउन करिए कि ये ख़रीदारी मैंने जो है 194 पे करी है। तीसरी ख़रीदारी जो है वो आपने कितने पे करी थी, वो आपने करी है 188 पे, तो इसको भी आप नोट डाउन कर दीजिए। अब नोट करने से क्या होगा, जैसे देखिए इसमें 194 में जैसे 5% बढ़ेगा, है ना, सबसे पहले हम 88 की बात कर लेते हैं। अगर 188 में 5% बढ़ेगा, 188 पे है ये 5% बढ़ेगा, तो 5% बढ़ने के लिए इसका भाव क्या आएगा, 197 रुपये 40 पैसे। तो जैसे ही 197 रुपये 40 पैसे आएगा, यानी कि 188 में अगर हम 5% जुड़ें, तो ये बनता है लगभग 9 रुपये 40 पैसे। तो 9 रुपये 40 पैसे ये बढ़ेगा, यानी कि 5% बढ़ेगा, तो हम खाली जो 1 लाख है ना, उसकी पोजीशन को हम यहाँ पे एग्जिट करें ना, ताकि ये दो खरीदारियों का जो माल है ये हमारे पास पड़ा रहेगा। और 194 वाला, यानी कि 194 वाला अगर 5% बढ़ेगा, तो इसका भाव क्या आना चाहिए, इसका भाव होना चाहिए 203 रुपये, यानी कि 9 रुपये 70 पैसे इसमें ऐड होंगे, तब जाके ये जो है, यहाँ पे मैंने जो 5% कराया, आप और बेहतर कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने 18 पैसे को नहीं लिया, इसलिए सीधा सीधा राउंड ऑफ में मैंने लिया फिगर, 194 आ रहा है और यहाँ पे 203 आ रहा है। तो 5% जैसे ही बढ़ेगा, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन वीडियो को बार बार देखिए आपकी समझ में आएगा। 103 रुपये पे हम ये वाली पोजीशन एग्जिट कर देंगे, और अगर और ऊपर जाता है मार्केट तो 210 पे हम ये वाली पोजीशन भी एग्जिट। ऐसी जो सबसे लास्ट वाली ख़रीदारी रहेगी उसको हमें नोट करके रखना है, और जैसे उस ख़रीदारी से 5% ऊपर जाता है तो हमें वो वाली पोजीशन को एग्जिट करते हुए चलना है। इससे दोस्तों आप वीकली या हो सकता है मे बी वीक से पहले भी आप जो है प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। तो दोस्तों जब प्रॉफिट बुक करते रहेंगे ना, पोर्टफोलियो में ग्रीन ग्रीन रहता है ना, तो व्यक्ति कोई भी सही मोटिवेटेड रहता है, एक्साइटेड भी रहता है। एक्साइटेड तो रहिए, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आप जो है ना इसमें कैलकुलेशन का भी यूज करें, और थोड़ा अपना माइंड भी लगाएं, माइंड सेट डेवलप करें यहाँ पे कि हमें किस तरीके से काम करना है, विधि के अनुसार काम करेंगे तो आप प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दोस्तों आप इसमें वीकली प्रॉफिट बहुत ही आसानी से बुक कर पाएंगे। ऐसे दोस्तों हो सकता है किसी वीक में आपको प्रॉफिट ना हो, तो परेशान होने की ज़रूरत है, जैसा कि आपने देखा मार्केट कैसे चलता है, ये देखें यहाँ पे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये जो स्विंग कर रहा है हमें इन स्विंग का ही फायदा उठाना है, और इस विधि से बहुत ही आसानी से आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे। दूसरा दोस्तों ये तो आप नोट डाउन करके कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते, तो आप जो है अलग अलग ब्रोकरों के साथ अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप 3 रखिए 5 रखिए, क्या दिक्कत है दोस्तों, जो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें अगर हमारा पैसा, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ही लगते हैं यहाँ पे, अकाउंट ओपनिंग तो आजकल डिस्काउंट ब्रोकरों के पास फ्री है। तो दोस्तों मैंने भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, यहाँ पे आप स्टॉक यानी स्टॉक कार्ड, चरोधा, किसी के साथ भी आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप इसमें भी यही करिए कि पहली ख़रीदारी आपने आप स्टॉक में कर ली, दूसरी ख़रीदारी आपने स्टॉक कार्ड में कर ली, तीसरी ख़रीदारी आपने जरोदा में कर ली, चौथी ख़रीदारी और किसी ब्रोकर में कर ली, पांचवी ख़रीदारी और किसी ब्रोकर में कर ली। 3-3% के अगर डाउन पे आता है तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो लास्ट वाली खरीदी जरोदा में करी ख़रीदारी, तो इसको जैसे ही 5% ऊपर जाएगा आपको दिखाई भी देगा, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले इसे एग्जिट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट फिर जो है इसको एग्जिट कर दीजिए, के बाद नेक्स्ट इसको एग्जिट कर दीजिए। तो आप एक से अधिक भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट अपने रख सकते हैं, आपको और भी सहूलियत और आसानी रहेगी। और आप अगर एक साथ रखना चाहते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा अपने उन सभी दोस्तों से जो चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों ये वीडियो ना जो भी दोस्त मार्केट में आपके नए हैं, बिगनर हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर पाइए। बहुत सारी वीडियो मैंने इस पर डाल रखी है, जितने भी ETF हैं लगभग उनकी सब के वीडियो बनाकर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देखिए और दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों किसी ETF का अगर वीडियो रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको इस वीडियो में भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तब भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, सर ये हमारी चीज़ समझ में नहीं आई, मैं पूरा
कोशिश करूंगा आपके कमेंट को आंसर करने की। और आप मुझे बताइए कि आप किस ETF पे वीडियो चाहते हैं, आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं वो भी बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा कि आप वीकली इनकम को जो है कैसे इन्हेंस कर सकते हैं ETF के थ्रू। दोस्तों ये ETF हैं, जब आप प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देखेंगे आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ हमें ETF में ही काम करना चाहिए। और आप नए हैं तो बिल्कुल ETF में ही काम कीजिए, क्योंकि आपको अपना कैपिटल सुरक्षित रखना है, आपको अपना पैसा सुरक्षित रखना है, तो आपको ETF में काम करना बनता है। दोस्तों वीडियो समझ में नहीं आया आप दोबारा देख सकते हैं, कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूरा पूरा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। दोस्तों अगर आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से जाके डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।